नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। कलिया क्षेत्र के गांव बेडपुर के नजदीक चंद घन मीटर मिट्टी खुदाई की परमिशन शासन द्वारा दी गई है, लेकिन परमिशन की आड़ में खनन माफिया कहीं से भी मिट्टी उठाकर अपना अवैध खनन का धंधा जोरों पर चलाते हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी जांचने पूछने वाला नहीं है। चंद घन मीटर मिट्टी खुदाई की परमिशन की आड़ में कई गुना मिट्टी का खनन करके सरकार को लाखों की चपत लगाई जा रही है। क्या कोई खनन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देगा, ये बड़ा सवाल है, या ये खनन अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा हो रहा है, ये एक जांच का विषय है। इस पर प्रशासन ने यदि ध्यान नहीं दिया तो खनन माफिया धरती का सीना चीर कर अवैध खनन का यह धंधा निरंतर चलाते रहेंगे। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार रोड स्थित हीरो कंपनी के बाइक शोरूम में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से शोरूम में लगी कई बाइकें जलकर राख हो गई। दरअसल शोरूम में आग लगने के बाद कर्मचारियों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन अगर आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को सूचना देनी पड़ी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच शोरूम में खड़ी कई बाइक जलकर राख हो गई, वहीं अभी नुकसान का आंकलन लगाया जा रहा है। बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार रोड स्थित हीरो कंपनी के बाइक शोरूम में आज सुबह अचानक ही आग लग गई। कंपनी के कर्मचारियों ने आग को बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की सूचना पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रदेश में लगातार जहां एक ओर कोविड मरीजों की संख्या में सुधार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके रोकथाम के लिए निरंतर ही प्रयासरत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार धरातल पर चल रहा है। लालकुआ के घोड़ानाल बिंदु खत्ता क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर का किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान द्वारा उद्घाटन कर 45+ वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का आरम्भ किया गया। बता दें कि लालकुआ के बिंदु खत्ता क्षेत्र में 3-3 दिनों का कैंप लगाकर वैक्सीनेशन सेंटर जगह जगह चलाए जा रहे हैं, जिससे कि लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता को वैक्सीन लग सके। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहरण की गई किशोरी की पुलिस ने लुधियाना से बरामदगी की है। पुलिस टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला आरोपी फरार है। महिला ने किशोरी को एक युवक को बेच दिया था और युवक किशोरी के साथ शादी करके लुधियाना में रह रहा था। रुड़की सिविल लाइन्स कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए SSP ने बताया कि 27 मई को वादी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, उसकी 14 वर्षीय पुत्री का अपहरण हो गया। मामले में टीम गठित कर किशोरी की तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया था। तो कल जो हम इस लड़की को लुधियाना से सकुशल गिरफ्तार कर लिया और उस घटना में सम्मिलित सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई, एक को वांछित किया, उनका तलाश जारी है। इस टीम को 2,500 रुपए के इनाम जो है मेरे द्वारा घोषित। बहादुराबाद में इन दिनों सरकारी अनाज के गोदाम से निकलने वाले सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खेल खुलेआम चल रहा है। आपको बता दें कि बहादुराबाद से सरकारी अनाज के गोदाम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के लिए निकलने वाले अनाज को बाहर से ही बाहर प्राइवेट आटा चक्की और अनाज के व्यापारियों को बेच दिया जा रहा है। ऐसे एक मामला बहादुराबाद के क्षेत्र आत्मलुप बोंगला में देखने को मिला है, जहाँ सरकारी अनाज से भारी गाड़ी खुलेआम प्राइवेट आटा चक्की के ऊपर उतारी जा रही है। देखिए, इस तरह की जो सूचनाएं हमको कल मिली थी और मेरे स्टाफ को भी मिली थी, तो मेरे स्टाफ ने, मैं तो उस समय मीटिंग में था, तो मेरे स्टाफ ने संबंधित जो सप्लाई इंस्पेक्टर है उनको फ़ोन कर दिया था। हालांकि वो देरी से वहां पहुंचे और मेरी खुद उनसे वार्ता हुई, तो मैंने उनको बता दिया है कि उसमें जो हमको वीडियो वगैरह मिली है उसमें गाड़ी नंबर भी है, उसमें ड्राइवर वगैरह भी है और किस गोदाम से उठा था, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उनको बता दिया है कि इसकी जांच करें और जो भी राशन डीलर जिसने भी ये काम किया है कि गोदाम से उठा के सीधा आटा चक्की पर राशन को पहुंचाया गया है, तो उसके खिलाफ जो भी विधिवत कार्रवाई बनती है वो करें। कोरोना काल में बाजार खोलने के लिए छूट नहीं मिलने से व्यापारी भड़क गए। व्यापारियों ने त्रिवेणी घाट चौक पर सरकार का पुतला फूंक कर अपना रोष जताया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सरकार व्यापारी हितों के लिए गंभीर नहीं है, लगातार व्यापारियों की मदद के स्थान पर उत्पीड़न किया जा रहा है। बता दें कि व्यापारियों को उम्मीद थी कि 8 जून के बाद आने वाली नई गाइडलाइंस में बाजार खोलने की कुछ छूट तो जरूर मिलेगी, लेकिन सरकार की ओर से द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में बाजार खोलने से संबंधित कोई छूट नहीं मिलने से व्यापारियों में खासा रोष देखने के लिए मिल रहा है। कहते हैं कि एक इंसान अगर ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता, फिर चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो, उसका हौसला ही उसका साथ देता है। ऐसा ही एक दिव्यांग है शंकरलाल, जो दिव्यांग होने के बावजूद भी गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। इसी के चलते दिव्यांग कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांग शंकरलाल ने लालकुआं के अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 निवासी विकलांग महिपाल कश्यप को ट्राईसाइकिल प्रदान किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष शंकरलाल ने कहा कि उनकी दिव्यांग कल्याण समिति पिछले 3 सालों से लगातार क्षेत्र में काम कर रही है और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद भी कर रही है। लगातार 3 साल से अपनी समिति के
हमने बनाई है, लेकिन दुर्भाग्य कहें इसको, लेकिन सरकार द्वारा हमें कोई लाभ नहीं जाता है। कागज में हम देखते हैं कि दिव्यांग नाम से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन धरातल में हम देखते हैं बिल्कुल जीरो है। सिर्फ आप मान लीजिए एक 1200 पेंशन में क्या दिव्यांग अपना पालन पोषण कर लेगा, लेकिन सरकारी योजनाएँ बिल्कुल ग्राउंड में जीरो हैं और खाली दिखावा करते हैं। लगातार सरकार से राहत पैकेज देने की मांग कर रहे परिवहन व्यवसायियों की मांग पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में परिवहन व्यवसायी सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने का मन बना चुके हैं। प्रथम चरण में परिवहन व्यवसायियों ने एआरटीओ कार्यपाल पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन किया। इस दौरान परिवहन व्यवसायियों ने सरकार को सख्त चेतावनी दी, यदि उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं की गई तो वो 2022 में होने वाले चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे। बड़ी मुश्किल तो रोजी रोटी आ रही है, अभी फिलहाल हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम आंदोलन करेंगे। अगर सरकार हमारे आंदोलन से नहीं चेतती है तो वो समय भी दूर नहीं जब पूरे उत्तराखंड में चक्का जाम कर दे। तस्कर बेखौफ होकर तस्करी कर रहे हैं। मुखानी चौराहे पर आज चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से 12 पेटी अवैध शराब बरामद की। शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार में पुलिस का स्टिकर लगा था, साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं कार में लगे पुलिस के स्टिकर की जांच भी की जा रही है कि स्टिकर इस कार में कैसे लगाया गया और इन तस्करों के तार कहाँ तक जुड़े हैं। क्षेत्र का है, 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, 12 पेटी हैं जो अंग्रेजी शराब है और इसको स्विफ्ट वाहन में ले जाया जा रहा था। तीनों लोगों को 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त पंजीकृत करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।